एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास का मेरा टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की इंट्रीज को हम टैली में कैसे पोस्ट करते हैं, वो सारा कुछ आपने जाना। तथा हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में डीपली मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया। तो आज की क्लास में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम लगाते हैं, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड इंट्रीज को हम कैसे पोस्ट करते हैं, इंटरेस्ट को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, वो सारा कुछ आज मैं करके इसमें दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंपाउंड इंटरेस्ट को कम्प्लीटली करके देखते हैं। एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज की क्लास का मेरे टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हमने आपको पिछली क्लासेस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया, तो मेरी पिछली क्लास जरूर आप देख लें, क्योंकि उसमें सारी सेटिंग्स को भी मैंने बताया है। आज हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, बट इसमें मैं आपको कंपाउंड और सिंपल दोनों करके दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। चलिए सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, सेटिंग देख लेते हैं, जबकि सेटिंग वगैरह मैं बता चुका हूँ। इसमें हम अकाउंट फीचर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों ऑप्शन हमने यस करके आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी हमने यस करके रखा है, और यूज़ एडवांस पैरामीटर्स, ये दोनों ऑप्शन जरूरी है, इसे हम यस कर लेंगे और यहाँ से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। हम चलते हैं, आपको एक अलग लेज़र बना करके दिखाते हैं, एक पार्टी लेज़र हम बना ले रहे हैं, चूँकि हमने बना रखा है, बस उसे मॉडिफाई करके दिखाएंगे, जिससे आपको कोई भी बनाने में या करने में दिक्कत ना हो। मुदित एंड ब्रदर्स नाम का मैंने एक बना के रखा है, इस पर हम एंटर करके आते हैं, नेम डाल दिया, यहाँ से अंडर में सेंडी डेटर्स हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में मैंने यस कर दिया। हमने जो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है 30 डेज डाल दिया इसमें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में है वो यस करके रखा है, चूँकि यही मेन सेटिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जितने भी कस्टमर्स पर अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट करना है उसमें आपको इसको यस करना होगा, यहाँ से यस कर लेंगे। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि इसे अगर हम यस कर लेते हैं तो हम आगे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताया है, सो आप पिछली वीडियो हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो पार्ट वन है उसे आप जरूर देखें, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तो हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर लेते हैं 10%। हम इसमें इंटरेस्ट स्टाइल अपना सेट कर लेते हैं 365 डे ईयर, वन ईयर का, क्योंकि हम कस्टमर पर हमें इंटरेस्ट प्राप्त करना है, उस पर कैलकुलेट करना है, तो डेबिट बैलेंस ओनली, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि हम ऑल बैलेंसेस कब चुनते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस कब चुनते हैं और डेबिट बैलेंसेस कब चुनते हैं। तो इसमें हम डेबिट बैलेंस ले लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी में हम ऑलवेज कर लेते हैं। कैलकुलेट फॉर्म में हम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कर लेते हैं, जो हमारा डेट एप्लीकेबल होगा उसी हिसाब से हमारा टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एंटर करते हैं। राउंडिंग ऑप्शन में अगर हम दशमलव में अंक नहीं चाहते हैं, दशमलव में जैसे हम राउंड फिगर में चाहते हैं, तो हम नॉर्मल राउंडिंग रख लेते हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डीपली बताया। लिमिट में 1 रुपीज हम कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कर लें आप, कंट्रोल लेकर के सेव कर लें। फिर हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रीज को पोस्ट करके देखते हैं। हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, हम चलते हैं आप सेल्स वाउचर पे, एफेट करेंगे, सेल्स वाउचर पे आ जाएंगे। यहाँ हम डेट 1 अप्रैल कर लेते हैं। 1 अप्रैल से मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल में बता रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल से हम काम कर रहे हैं, 1 अप्रैल का हम एक इनवाइस बना ले रहे हैं। हमने यहाँ बिल नंबर, चूंकि मुदित ब्रदर्स हैं, तो हमने बिल नंबर 01 करके MB-01 करके बना लिया। कुछ भी हो सकता है, बिल नंबर के आधार पर है, हम वो 3 भी डाल सकते हैं, जो हमारा ये नंबर दिखा रहा है हम 3 भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ एक बिल रेफरेंस नंबर ले लिया है, यहाँ पर हमने मुदित ब्रदर्स लेजर चुन लिया। एक्सेप्ट करते हुए हम आ जाएंगे। सेल्स लेज़र हमारा जो है, सेल्स लेज़र है, हमें सेल्स लेज़र भी बनाना होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में सबसे पहले ही आपको बता चुका हूँ लेज़र क्रिएशन में। पिछली वीडियो मेरी लेज़र क्रिएशन वाली जो है उसको आप देख लेंगे, तो आपको सारे लेजर्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको लेज़र से रिलेटेड नहीं रह जाएगी। हमारी जितनी भी वीडियो पीछे हैं, एक एक टॉपिक को कवर किया गया, उसको अगर आप देख लेंगे तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो वीडियोज़ को देखने के लिए आप
को डिस्क्रिप्शन में लिंक, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक वीडियो को। हम चलते हैं यहाँ पर, हम एक आइटम ले लेते हैं, सैमसंग J5 ने ले लिया, 5 पीसेस हम मान लीजिए सेल कर रहे हैं 8500 में। एंटर करते हैं, एंटर करके आते हैं, आप विल वाइज डिटेल आ गया, चूंकि विल वाइज डिटेल बहुत जरूरी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, चूंकि विल के हिसाब से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया, न्यू रेफरेंस ले लिया, और रेफरेंस नेम में हमने 01 कर दिया, वही आपका MB-01। 30 डेज का मेरा क्रेडिट पीरियड है जो मैं पहले से ही डाल चुका हूँ। एंटर करते हुए हम आ जाएंगे, यहाँ मैंने ओवरराइड पैरामीटर्स को जो वहाँ पर ईच ट्रांजेक्शन यस करा है उसके नाते, यहाँ से अगर हम यहाँ कोई भी कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, बट हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने भी आपको बताया कि हम सिंपल और कंपाउंड दोनों करके आज बताएंगे, तो हम एक सेम एंट्री इसमें और पुश करके देख ले कर लेते हैं, जिससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने में आपको आसानी हो जाए, दोनों में डिफरेंसेस आप करके देख पाओ। तो यहाँ हम चलते हैं, MB-02 कर लिया मैंने, दूसरी भी लाइए, यहाँ पर मैंने दे दिया मुदित ब्रदर्स। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं, सेम उसी तरीके की सेम एंट्री है ये सैमसंग J5, बस आप देखते रहें, 5 NOS है, 5 पीसेस है। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, विल वाइज डिटेल में हम वही MB-02 कर लेते हैं, चूंकि दूसरे नंबर की विल है, इसमें भी मैंने क्रेडिट पीरियड 30 डेज डाल रखा है, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, दो एंट्रीज मैंने सेम एंट्रीज पोस्ट कर ली। हम चलते हैं यहाँ से रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, रिपोर्ट चेक करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले में, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एंटर करते हैं, स्टेटमेंट अकाउंट पे आकर के हमने ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन है, यहाँ हम एंटर करते हैं, इसमें हम चले जाते हैं लेज़र पर, और लेज़र ऑप्शन को हम यहाँ से एंटर करते हैं या फिर एल कर लें हम। मुदित ब्रदर्स, चूंकि हमारा लेज़र क्या है, पार्टी लेज़र कौन सा है, मुदित ब्रदर्स, हम यहाँ से देखेंगे, चूंकि यहाँ पीरियड सेट करेंगे सबसे फर्स्ट। अगर हम 1/5 ले लेते हैं मई तक, तो यहाँ पर आपका 1 मंथ का जो आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पर शो करेगा, आप देख पा रहे हैं ये इंटरेस्ट यहाँ आ गया है। अगर इस डिटेल को, इसका फर्दर डिटेल्स हम चेक करना चाहते हैं, तो हम अल्ट प्लस F1 कर देंगे, तो डिटेल्ड होकर के आ जाएगा, यहाँ आप कंप्लीटली देख पाएंगे कि 42,500 जो अमाउंट है 1 अप्रैल से 1 मई तक 31 डेज हो रहे हैं, 361 रुपये, 10% NM की जो दर है आपका इंटरेस्ट रेट है, ईयरली ब्याज दर है जो, उस पर 361 रुपये आपका अमाउंट बना, सेम अमाउंट दोनों पर बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, रिपोर्ट है आपका आउटस्टैंडिंग, बकाया हम चेक कर रहे हैं, चूंकि वहाँ हमने इंटरेस्ट को अप्लाई करके देखा, बकाया हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मुदित ब्रदर्स पर चले जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा है, सेम अमाउंट अगर हम इसको डिटेल्ड भी कर लेंगे तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट शो नहीं होगा, चूंकि ये केवल आपका पेंडिंग अमाउंट है और इस अमाउंट के साथ अभी आपका वो इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ है। तो उसे हम एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं डेबिट नोट। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इससे पिछली वाली क्लास में कि यदि हम अपने कस्टमर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं, और अगर हम अपने सप्लायर को जिसे हमें इंटरेस्ट देना है उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्रेडिट नोट वाउचर में जा करके करते हैं। इसके लिए एक सेटिंग होती है, F11 प्लस F1 कर लें हम, F11 करके हम आ जाते हैं अकाउंटिंग फीचर्स पर, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ आप देखें ये दोनों यहाँ हम आते हैं, ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, इसे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि मैं पहले से यस करके रखा हूँ। एंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करके हम इसको सेव कर लेंगे, बैक आ जाएंगे। हम चलते हैं, एडजस्टमेंट कराने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है अपने डेबिट नोट वाउचर को, क्यों, क्योंकि उसमें हमें वाउचर क्लास बनाना होता है, वाउचर क्लास हमें क्रिएट करना होता है, चूंकि मैं पहले से वाउचर क्लास क्रिएट कर चुका हूं, तो आपको केवल मैं बताऊंगा दिखाऊंगा कि कैसे इसमें हम बनाते हैं। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं, नेम ऑफ क्लास पर आ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, ये मैंने दोनों बना करके पहले से ही रख लिया है, बट मैं कैसे बनेगा मैं इसको दिखाऊंगा। यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट पर जाएंगे, एंटर करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं
सिंपल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट का यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, ये ऑप्शन हम यस करेंगे यहाँ से, जो कि पहले से ही यस है। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ऑप्शन हम नो रखते हैं, इस ऑप्शन को हम यस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो नीचे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्लास बनाया है। ये दोनों एक में हम क्यों कर रहे हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे मैंने आज किसी को माल बेचा है, उसको मैंने कंडीशन दिया है कि अगर आप माल समय पे नहीं, जब पैसा नहीं जब आप जमा करेंगे तो आप पर साधारण ब्याज की दर से ये इंटरेस्ट रेट होगा, इस पर आपको ब्याज भरना पड़ेगा। बट अगली बिल पर हमने मान लीजिए कंडीशन रख दिया, चूंकि पहली बिल में मान लीजिए उन्होंने टाइम से पेमेंट नहीं किया या थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो कंडीशन कंपनी ये रख देती है कि ये मेरा जो क्रेडिट पीरियड है उसमें यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर आपको ब्याज चार्ज किया जाएगा, और उस पर जो ब्याज चार्ज होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मतलब अगर एक महीने में अगर आप पेमेंट नहीं कर देते हो तो एक महीने का ब्याज के साथ आपको पेमेंट करना होगा। अगर वो महीना क्रॉस आप कर जाते हो, नेक्स्ट मंथ में अगर आप पेमेंट करते हो, तो आपका फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, आपके मूलधन के साथ ऐड हो जाएगा और कंप्लीट मूलधन बन जाएगा। फिर अगले महीने आपको उस पूरे अमाउंट पर आपको ब्याज चार्ज देना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ दोनों एक में ही करके आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये दोनों एक में करने का एक ही मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आ जाए। हम एंटर करते हैं, यहाँ पर हमने क्लास को यस किया। आप देख रहे हैं अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑप्शन भी हमने यहाँ पर यस कर लिया है, एक्सेप्ट करके हम बाहर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं एडजस्ट करते हैं, जब हम एडजस्ट करेंगे तभी वो इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो उनके अकाउंट पर ऐड हो जाएगा। हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9। आप देख रहे हैं अगर वाउचर क्लास जनरेट ना की गई होती, वाउचर क्लास ना बनाया गया होता, तो डायरेक्टली डेबिट नोट ओपन हो जाता। बट सबसे फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट करके आपको दिखाते हैं। हम MB-01 जो मेरा बिल नंबर 1 है उस पर हम आपको सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे, MB-02 जो दूसरा बिल है उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करके आपको दिखाएंगे। डेबिट नोट हम कब एडजस्ट हम कब कर रहे हैं, 1 मंथ बाद। तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे, 1 मई कर लेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर हम बिल नंबर डाल दिए, एंटर करके आते हैं। मुदित ब्रदर्स पर हम जाएंगे, यहाँ से हम इसको चुनेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करते हुए नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस ही कर देंगे, या ऑन अकाउंट भी हम कर सकते हैं, ऑन अकाउंट भी उनके अकाउंट पर ऐड हो रहा है, सॉरी, तो हम ऑन अकाउंट ही कर दें, कोई इशू नहीं है उसका, ऑन अकाउंट कर सकते हैं इसको हम। इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट का लेजर मैं पहले से बना रखा हूँ, चूँकि हमें कस्टमर से इंटरेस्ट प्राप्त करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट का जो लेजर होगा वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में होगा। अगर हमें अपने सप्लायर को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट हम एडजस्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। तो इसे हम एंटर कर लेते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट को हमने एडजस्ट किया। हम चलते हैं यहाँ पर कंट्रोल F9 करते हैं और यहाँ से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का चुनाव कर लिया, यहाँ पर हमने बिल नंबर डाला, डेट हो गया, हमने इसका चुनाव किया, हमने दूसरी बिल चुनी, एंड ऑफ लिस्ट करा, एंटर करके हम नीचे आए, यहाँ से हमने इसको एडजस्ट करा दिया। इस तरह से हमने दोनों तरीके से दोनों खाते पर इंटरेस्ट को एडजस्ट करा दिया, सिंपल और कंपाउंड। हम फिर से चलते हैं, चेक कर लेते हैं। आप देखें स्टेटमेंट अकाउंट पे आउटस्टैंडिंग में देखें तो आपको ऐड होकर के मिलेगा, वो देख पा रहे हैं कंप्लीट ऐड होकर के मिल रहा है। और हमें चेक क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, चूंकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन कर रहे हैं, लेजर पर जाएंगे, मुदित ब्रदर्स पर जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये इंटरेस्ट ऐड होकर के आया, चूंकि इसमें डेट जो चूंकि लास्ट 1 अगस्त क्यों आ जा रहा है, पीरियड अगस्त तक क्यों आ रहा है, क्योंकि कंपनी में लास्ट एंट्री जो है 1 अगस्त तक है और टैली में जो लास्ट एंट्री डेट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है। तो हम यहाँ से चलते हैं, पीरियड चेंज कर लेते हैं, 1/5 कर लिया। आप देख पा रहे हैं कोई भी यहाँ शो नहीं कर रहा है, चूँकि 1 मई तक तो हमारा क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है जिसपे हमें कोई भी ब्याज नहीं लेना है मुदित ब्रदर से। तो हम केवल 1 डे बढ़ा करके देख लेते हैं पहले भी, चूँकि आपको दिखाना है। हम यहाँ चलते हैं, 2 कर लिया, 5, 1 दिन का ब्याज आप देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट जो है 12 रुपीज़ है।
इससे पहले जो भी मैंने किया उसको ऐड किया तो इसमें ऐड होकर के आ गया। आप देखें वो ब्याज ऐड हो गया इसमें। हम इसको अगर फर्दर डिटेल्स में कर लेंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे तो डिटेल्ड आ जाएगा। 42,500 इस पर सिंपल इंटरेस्ट है, तो वन डे का इंटरेस्ट 12 रुपये है और कोई अभी तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है। और इसमें आप देख पा रहे हैं जो इंटरेस्ट ऐड कर दिया मैंने इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट होने के नाते, इसमें भी वन डे, अभी वन डे का ही ब्याज चार्ज कर रहा है और वो सेम दिख रहा है। अगर हम इसका पीरियड बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 1 मंथ हम कर दें, तो आप देख पाएंगे तब आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। सिंगल डे में आपको नहीं मिल रहा है। हम यहाँ से 1 मंथ या 2 मंथ जो भी है उसको हम करेंगे, 2 मंथ करेंगे तो और ऐड हो जाएगा। पूरा 1 महीने हमने कर लिया तो आप देख पा रहे हैं ये आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसमें 361 रुपये है, 361, और इसमें आपका 364 रुपये है। यहाँ 00 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नॉर्मल राउंडिंग रखा है उसमें, हमने पीछे उसके बारे में कंप्लीट आपको बताया हुआ है। आप एक बार मैं पूरा डिटेल आपको दिखा दूं, यहाँ आप देखें ओपनिंग बैलेंस 42,500, दोनों का ओपनिंग बैलेंस वही है। पेंडिंग अमाउंट में चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट इस पर लागू किया गया है तो वही आपका ये मूलधन वही रह जाता है, 42,500 ही है। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर लागू किया गया उसमें 42,861 हो गया। क्यों? क्योंकि 361 जो उसका पुराना अमाउंट था वो इसमें ऐड हो गया। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल अमाउंट और लास्ट मंथ या लास्ट ईयर का जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ में उस पूरे पर ब्याज लगता है। तो इस तरह से इस कंप्लीट पर ब्याज लगा है, तो इसमें आप इंटरेस्ट देख रहे हैं 361 है और इसमें 364 है। तो ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने कंप्लीट देखा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम सिंपल और कंपाउंड दोनों बताए, बट मेन क्लास मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बताने का बस एक ही काम था, एक ही मतलब है कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, और जो आउटस्टैंडिंग बचा हुआ अमाउंट है कंप्लीट है 85,722, ये हमें प्राप्त करना है किससे, मुदित ब्रदर से। तो हम चलते हैं आपको रिसीव करके भी दिखा देते हैं। रिसिप्ट में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F6 करेंगे हम तो रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे, चूंकि हमारे कस्टमर हैं उनसे हमें प्राप्त करना है, ब्याज के साथ हमें कंप्लीट अमाउंट प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं, हमें 1 जून को प्राप्त करना है तो हम यहाँ जून डेट सेट कर देंगे। और हम यहाँ आप देख रहे हैं मुदित ब्रदर्स आ गया, कंप्लीट अमाउंट आपका करेंट बैलेंस में शो कर रहा है 85,722, तो 85,722 करके हमने एंटर करा, एडजस्ट में आ गया। आप देख पा रहे हैं दोनों अमाउंट इसमें आ गया है, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऑन अकाउंट में था 361 रुपये, वो भी ऐड कर लिया, कुल 85,722 हो गया। कैश आ रहा है व्यापार में, कैश हम कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आपको एक बार फिर से रिपोर्ट दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग का, आप देख पाएंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। आप लेजर में जाएं, मुदित ब्रदर्स में आप देख पा रहे हैं कोई भी अमाउंट इनका पेंडिंग नहीं रह गया है। तो आज की क्लास में आपने कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सिंपल और कंपाउंड दोनों देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट को डीपली आपने समझ। अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।